हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके चैप्टर नंबर सेकंड हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि एटम के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। व्हाट इज एटम? अगर मैं आपसे बोलूं डिफाइन एटम, तो एटम को कैसे आप लोग डिफाइन करोगे? एटम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो एटम का डेफिनेशन होता है, एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। लिख देता हूं मैं यहां पर, एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर तो सबको पता ही होगा कि मैटर होता क्या है। मैटर दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, उसी को मैटर बोलते हैं। तो एटम का डेफिनेशन क्या हो गया? एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, तो लाइक एटम के अंदर काफी मतलब कि वो सब तो बाद में पता चला। ठीक है, कि लाइक न्यूक्लियस, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन के बारे में बाद में पता चला, लेकिन अब जैसे एटम के बारे में सबसे पहले जिन्होंने कुछ बातें रखी, ठीक है, बातें लाई, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जॉन डाल्टन के बारे में। ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एटम के बारे में कुछ बोला। ठीक है, ठीक है, इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी 1808 में दी थी। ठीक है, उसके बाद इनका क्या हुआ, थ्योरी में कुछ गड़बड़ी हुई, थ्योरी फेल हुआ, फिर उनके बाद थ्योरी आई थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल इन्होंने 1897 में दिया। ठीक है, उसके बाद इनका इनके भी थ्योरी में कुछ गड़बड़ हुई, तो फिर रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हुआ। ये 1911 में आया। उसके बाद फिर आया बोर मॉडल। ऑफ एटम ये 1912 में ही आ गया। ठीक है, और एट द एंड जो आया दैट इज अ क्वांटम मैकेनिकल एटम मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल एटम मॉडल। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह की गई। ठीक है, उनके ईयर में आपके सामने स्क्रीन पे मैंने लिख दिया कब कब वो आया। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात बताता हूं मैं, क्या बात है, हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, ये तो मैं लाइक सबका एक ओवरव्यू दे करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए जॉन डाल्टन का अलग था, थॉमसन मॉडल का अलग था, रदरफोर्ड का, सबका सबका अलग अलग अपना एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो एटम के अंदर तीन चीजें पाई गई, ये तो सभी सहमत हैं। क्या क्या होता है? एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा है उसको जो डिस्कवर करा था दैट इज द जेजे थॉमसन। जेजे थॉमसन ने करा। ठीक है, प्रोटोन किसने करा था? प्रोटोन को किसने करा था? रदरफोर्ड ने। किसने करा था? रदरफोर्ड। ठीक है, और फिर हमारा इसको किसने करा था? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जे जे थॉमसन ये जो रदरफोर्ड था ना, वो इसका स्टूडेंट था। रदरफोर्ड था जे जे थॉमसन का स्टूडेंट, और जेम्स चैडविक था रदरफोर्ड का स्टूडेंट। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए इन्होंने जो चीजें करी थी, लाया था सामने, हमारे सामने जो लाया था, तो उनके लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं जॉन डाल्टन थ्योरी से। ठीक है,
तो जैसा कि जॉन डाल्टन थ्योरी हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने क्या बताया था, एटम के बारे में बताया था। ठीक है, तो पहले लिख लेता हूं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम जो है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है। डाल्टन के अकॉर्डिंग, डाल्टन को लगता था कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, बट आज की डेट में वो गलत है ना, क्योंकि एटम के अंदर भी हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो ये थ्योरी इनका गलत हो गया था। बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट इन्होंने क्या बोला था, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इज एटम, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इज एटम। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि जो एटम है ये कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, इसको हम आगे सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड थिंग इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल बी डिफरेंट। क्या बोला इन्होंने, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल बी डिफरेंट। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट। ठीक है, लेकिन ये भी आज की डेट में गलत हो गया, तो उसका क्यों गलत हो गया बताइएगा, क्योंकि आइसोबार आज के डेट में, नाउअडेज 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 वी हैव द आइसोबार। तो आइसोबार का प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हाट इज आइसोबार, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर बट हैव द सेम मास नंबर। तो आइसोबार होता क्या है, मास नंबर सेम और एटॉमिक। डिफरेंट, लिख देता हूं मैं, डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट हैव द सेम मास नंबर। ठीक है, एग्जांपल भी देता हूं उसका, एग्जांपल ले लो पोटासियम कैल्शियम। इसका देखो जो एटॉमिक नंबर है वो देखो क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, इसका नाइन, इसका सॉरी इसका 18 होता है, इसका 19 होता है, इसका 20 है, बट देखो इस तीनों का जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा, सेम होता है, ऐसा समझो, तो दैट इज हाँ कॉल्ड द सर, आइसोबार। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द डाल्टन क्या था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल बी डिफरेंट। ठीक है, चलिए थर्ड इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने ये बोल दिया कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट विल ऑलवेज सेम। क्या बोल दिया, एटम ऑफ सेम एलिमेंट विल ऑलवेज सेम, विल ऑलवेज सेम। नाउ डेज वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ आइसोटॉप्स, है ना, हाँ ये भी गलत हो गया उनका थ्योरी, आइसोटॉप्स था हमारे पास, तो आइसोटॉप्स में होता क्या है, व्हाट इज आइसोटॉप्स, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास में। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब इसके एटॉमिक नंबर को हम सेम कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर सेम कर लिया, ठीक है, बट इसका मास जो है ना वो चेंज कर जाता है, 1, 2, 3, ये एक एग्जांपल ऑफ आइसोटॉप्स है, ऐसा समझो, कार्बन के साथ भी ऐसा होता है ना, ओके सर। क्लियर है। चलो
तो अब ये डाल्टन थ्योरी देता जा रहा था अपना, मतलब कि ये बातें रखती जा रही थी और आज के डेट में वो गलत होता जा रहा था, ठीक है। तो सबसे मतलब कि मेन जब इनका क्या होगा ना, कि तुम जब मैंने ईयर लिखवाया था ना, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, डाल्टन का जो थ्योरी आया था वो आया था 1808 में, ठीक है। और थॉमसन का जो आया था, सेवन थॉमसन मॉडल जो आया था वो 1897 में आया था। तो लगभग आप अगर देख पा रहे हो तो अब मुझे लग रहा है कि 80-90 साल तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को माना ही गया, राइट? अस्सी सर नब्बे साल तो डाल्टन, मतलब एक लंबा टर्म तक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को माना गया, ठीक है। बट थॉमसन मॉडल आने पे क्यों डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया पूरी तरीके से? क्योंकि थॉमसन ने जो करा था वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करा। तो जैसे ही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पूरे की पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि लाइक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जे जे थॉमसन ने कैसे करा था, चलिए आइए देखते हैं उसको। तो ये क्लियर हुआ अभी तक जो मैंने कराया आप लोगों, जो भी बताया क्लियर है? यस सर। चलिए ओके। तो इसके बाद मैंने क्या बोला कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करा था? जे जे, क्या नाम था इनका? अभी तो बताया था, जे जे थॉमसन है ना। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करा? जे जे थॉमसन ने करा, ठीक है। अब ये किसके हेल्प से करा, ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि सर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ा ना उसको, उनको सपना आया तो उन्होंने बता दिया है ना कि नहीं भैया इलेक्ट्रॉन नाम का भी कोई चीज होता है, ठीक है। तो इन्होंने किसका हेल्प लिया? इन्होंने लिया कैथोड रे ट्यूब का, विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे ट्यूब उन्होंने क्या करा, डिस्कवर किया, मतलब कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। तो चलिए आइए उसके वो डायग्राम को थोड़ा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एक सबसे पहले उन्होंने, हेलो आ रही है आवाज? हाँ, एक हाँ सबसे पहले सर, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड लगाया इधर, इधर एक इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, इसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। आप लोग थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाना, मैं तो खैर ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया, इधर एक पंप लगा दिया उन्होंने, ठीक है। और इसको बोल देंगे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो एनोड बोल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया उन्होंने, ये जो है यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया, वो बता रहा हूँ क्यों लगाया, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है काफी ज्यादा है, लाइक 10,000 वोल्ट का होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है, ठीक है। उसके बाद यहां से चलो, ये क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर है आप लोगों को? अब मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप बताते जाता हूँ। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे डायग्राम पे आप लोगों को ये दिख रहा होगा, अच्छा ये डायग्राम हमने बनाया क्यों है, प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है वहां पे हम लोग कैथोड रे प्रोडक्शन करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने, सबसे पहले आप लोगों को डायग्राम में दिख क्या रहा, सबसे पहला चीज क्या दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किससे किया गया, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किससे किया, नेगेटिव टर्मिनल से,
नेगेटिव टर्मिनल वाले को क्या बोल रहे हैं कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल वाले को क्या बोल रहे हैं एनोड. ये क्लियर है? यस सर. ये जो ग्लास ट्यूब है इसको हम लोग बोल रहे हैं, ये जो ग्लास ट्यूब है इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या, डिस्चार्ज ट्यूब. क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब. ठीक है. अच्छा तुम लोग ये बताओ कि सर ये पंप क्यों लगाया यहाँ पे, ये पंप क्यों लगाया? ये पंप इसलिए लगाया गया है कि अंदर में कोई भी एयर होगा या गैस होगा उसको क्या करेगा, सक करके बाहर निकाल देगा, सक करके बाहर निकाल देगा, और मुझको जितना प्रेशर चाहिए होगा मैं अपने मुताबिक अंदर का प्रेशर को मेंटेन कर सकूंगा, इसलिए पंप लगाया गया. ठीक है. तो अब तुम बोलोगे सर कितना प्रेशर यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है, जो कैथोड रे हमें दिखे तो वो लिख देता हूं मैं, 0.001 mm प्रेशर. ठीक है, इतना आप लोग को ये मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये पंप ही करेगा. ठीक है, तो पंप का काम क्या है? पंप का काम यह है कि अंदर का जो भी एयर है, एयर है, गैस है, उसको सक करके बाहर निकाल देगा. और मैं आप जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी गैस डाल दिया, जैसे मैंने क्या करा अंदर में जो भी पहले से गैस था, एयर था, पहले सक करके बाहर निकाल दिया, फिर मैंने कोई भी गैस इसके अंदर डाला, इसके अंदर क्या करा, कोई भी गैस डाला. गैस डालने के बाद हमने क्या करा कि उसको इस प्रेशर में मेंटेन कर दिया, इस प्रेशर में क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है. तो जैसे ही मैंने इसको अंदर में मेंटेन कर दिया और कैथोड को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, और ये एक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, तो एनोड कैथोड, और ये जो एनोड और कैथोड को जब हम लोगों ने कनेक्ट किया 10,000 volt मतलब वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस से जैसे ही कनेक्ट करा, तो हम लोगों ने पता क्या देखा इसमें, हम लोगों ने देखा कि यहाँ से मतलब वो तो इनविजिबल था, वो जो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज इनविजिबल, दैट इज इनविजिबल. हम लोगों ने क्या देखा यहाँ से कि कैथोड रे अब स्टार्ट होना, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. तो लेकिन अब तुम बोल रहे हो सर दैट इज द इनविजिबल कैथोड रे, ये तो इनविजिबल है, यहां लिख दे रहा हूं इनविजिबल कैथोड रे. तो सर फिर पता कैसे चल रहा है कि यहां से कुछ मतलब कुछ चीजें चल रही हैं, यहां से जाना स्टार्ट हुई है जैसे ही हमने उसको 10,000 वोल्ट से कनेक्ट करा, तो क्या होगा बताइए. कैसे पता चला? तो इसी के कारण हमने यहाँ पे जो लगाया था वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया था. क्या लगाया था? फ्लोरोसेंट. अभी फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता क्या है? तो फ्लोरोसेंट मटेरियल ऐसा मटेरियल है अगर उस पर कोई पार्टिकल गिरता है तो वो चमकना स्टार्ट हो जाता है. क्या होता है? चमकना स्टार्ट हो जाता है. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल. तो जैसे ही हमने देखा ये तो इनविजिबल था, हमें पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, तो जैसे ही ये आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ना आगे जाना स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक करा, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन में स्ट्राइक करा, तो वो चमकना स्टार्ट हो गया और वो चमकना लगातार हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली वो चमक रहा है. तो इससे ये ऑब्जर्व किया गया कि भैया यहां से कुछ ना कुछ आया है और इसको स्ट्राइक किया गया. ठीक है. अब इसमें दो क्वेश्चन उठ रहे होंगे आपके मन में. क्या दो क्वेश्चन उठ रहे होंगे? सर ये जो आपने बनाया है, अब जैसे मान लीजिए इधर आएगा तो ये तो ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा सर, तो कैसे ये जो कैथोड रे यहाँ पे जाएगा, कैसे स्ट्राइक करेगा, ये क्वेश्चन उठ रहा होगा ना. तो इसको जो है ये जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको एक्चुअल में इस तरीके से था, ये आया समझ में? तो ये जो गैप देख रहे हो, गैप इसी से पार हो रहा था वो. किसी से पार हो रहा था और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो था वहां पे स्ट्राइक कर रहा था. कोई दिक्कत है? नो सर. ठीक है. फिर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर आप ये बताओ उस समय तो हमें पता नहीं था ये इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. बट सर ये जब ये जा रहा था तो ये स्ट्रेट लाइन में कैसे जा रहा था सर, कोलाइड क्यों नहीं कर जा रहा था बीच में? हो सकता था सर कोलाइड कर जाएगा. ठीक है. तो इसी के कारण ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसमें दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसीलिए हमने प्रेशर को काफी लो कर दिया था. जब हम प्रेशर को लो कर देंगे तो ये आपस में टकराएगा नहीं. आया समझ में?
ये आपस में टकराएगा नहीं, और सीधा ही जाएगा वहां पे और स्ट्राइक करेगा फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, और जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो हमको चमकना, मतलब लगातार चमकना हमें मतलब दिखने लगेगा, तो दिखने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि भाई यहाँ से कुछ ना कुछ पार्टिकल वहां पे गया है। अब एक चीज और कि सर इसको फिर हम लोग रे क्यों बोल रहे हैं, वही रे क्यों सर, तो पार्टिकल जा रहा ना वहां पे, रे क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली क्या ना, ये काफी स्पीड में जाती है, ये जो है ना काफी स्पीड में जाती है, समझो ये काफी स्पीड में जाती है, तो इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हमें वो रे की तरह दिखाई देता है, समझो। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे। अब दूसरी बात, कि कैथोड रे को हम नेगेटिव चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या हुआ कि हमारा एनोड जो है वो पॉजिटिव है ना, और यहां से जो पार्टिकल यहां से आ रहा है तो सब सोच रहा है कि पॉजिटिव के पास आ रहा है, तो पॉजिटिव के पास कौन सा पार्टिकल आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव के पास नेगेटिव आएगा ना, तो उन्होंने क्या बोला कि भैया ये ना अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसको बोल दिया गया, ठीक है, इट्स गोज टुवर्ड द पॉजिटिव साइड, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट द कैथोड रे हैव द नेगेटिव चार्ज। क्लियर है यहां तक? ओके यस सर। तो हम लोगों ने क्या देखा, कैथोड रे ट्यूब में हम लोगों ने देखा कि कैथोड रे जनरेट कैसे हो रहा है। तो एक बार और आपको फटाफट मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैथोड रे कैसे जनरेट हुआ, प्रोडक्शन कैसे हुआ, प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे हुआ कैसे। हम लोगों ने क्या क्या करा, एक ग्लास ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब में पंप लगाया, पंप से क्या करा कि अंदर का एयर और जो भी गैसेस है सक करके बाहर कर दिया, बाहर करने के बाद अब क्या होगा कि हम कोई भी प्रेशर अंदर मेंटेन कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, एक गैस लाया, गैस ला करके कोई भी गैस को ला करके उस ट्यूब के अंदर डाल दिया, उस ट्यूब के अंदर डालने के बाद हमने क्या करा कि कैथोड और एनोड, ये कैथोड और ये एनोड को कनेक्ट कर दिया हाई पोटेंशियल डिफरेंस से। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस से जैसे ही कनेक्ट करा तो हमने क्या देखा कि कैथोड और ये एनोड जो लगा हुआ था, तो यहाँ पे अब देखिए एनोड के पीछे हमने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी है, ठीक है, तो वो लगातार चमकना स्टार्ट हो गया। तो फिर हमने सोचा कि भाई ये लगातार चमकना क्यों स्टार्ट हो गया, तो फिर हम लोगों ने ये जेजन थॉमसन ने यह ऑब्जर्व करा कि भाई यहाँ से कोई पार्टिकल चल करके आया होगा तभी यहाँ पे चमक रहा है, क्योंकि फ्लोरोसेंट मटेरियल का तो प्रॉपर्टी यही है कि उसमें कोई पार्टिकल गिरेगा तभी चमकेगा, है ना? Yes, sir. कोई पार्टिकल गिरेगा तभी चमकेगा। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन के हेल्प से बता दिया कि भैया यहाँ से कोई कैथोड रे आ रहा है, ठीक है, कैथोड रे आ रहा है। तो अब ये कैथोड रे आ रहा है तो ये क्यों आपस में कोलाइड क्यों नहीं किया गया, उसका रीजन यही था कि प्रेशर काफी कम था वहां पे, इसलिए वो लोग कोलाइड नहीं कर रहा है चलते चलते। फिर दूसरी बात, हम इसको रे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पार्टिकल काफी छोटे होते हैं और इतने तेजी से जाते हैं कि हम लोग रे की तरह ऑब्जर्व होता है, वो हम लोग ऑब्जर्व मतलब देखते हैं उसको, तो इसलिए उसको हम रे बोल देते हैं। आया समझ में? यस सर। तो दो चार चीजें जो बताई हैं उसको दिमाग में रखिएगा, और इसी तरीके से अगर आ जाता है कैथोड रे ट्यूब आपके एग्जाम में, बट आई थिंक क्लास 11th में तो ये शायद नहीं देगा, ठीक है, इसलिए नहीं देगा क्योंकि देखो एमसीक्यू क्वेश्चन तो पूछ सकता है ये सब उसे, ठीक है, बट आप लोग का जो लाइक जैसे क्लास 11th जो है उसमें अगर पूछा जा सकता है तो बोर मॉडल ऑफ एटम और क्वांटम मैकेनिकल एटम मॉडल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये सारी चीजें बतानी बहुत जरूरी है आप लोगों को, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस करा आप लोगों के साथ, क्योंकि आगे का टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो काफी इंटरेस्टिंग के साथ आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि विदाउट इसके फिर आप लोगों के मन में ना क्वेश्चन उठता रहेगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों ये चीज पढ़ रहे हैं, हम क्यों ये चीज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग से मैंने डाल्टन से स्टार्ट करा पढ़ाना, तो आज हम लोगों ने डाल्टन का देख लिया, जे.जे. थॉमसन का देख लिया, ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे, तो इसी लाइन बाय लाइन अगर हम चलते जाएंगे तो हमारे मन में कोई तरह का डाउट्स क्रिएट नहीं होगा, क्यों हमने लाइक रदरफोर्ड पढ़ा, क्यों हमने जे.जे. थॉमसन के बारे में पढ़ा, क्यों हमने जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होते चली जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि लाइक आगे का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, और आप लोग का एक वर्क होगा, क्या वर्क होगा कि कैथोड रे ट्यूब का थोड़ा प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ लेना, तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आप लोग, टिल देन बाय बाय।